Hi everyone and welcome to another video of Card Academy. Regalia card ki video ke baad on popular request aaj hum lekar aaye hain Regalia versus Millennia card par ek video. तो रिगैलिया एक प्रीमियम कार्ड है और मिलेनिया कार्ड एक मिड टियर कार्ड है. तो हम इन दोनों कार्ड्स की कंपैरिजन करेंगे पॉइंट वाइज और वो भी डिटेल में. एंड सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. और शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस चैनल पर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं जहां हम क्रेडिट कार्ड्स को कंपेयर करते हैं, उन्हें रिव्यू करते हैं और हाँ उनसे रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज भी लाते हैं. तो अगर आपको ये सब यूजफुल लगता है और अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम इन दोनों कार्ड्स की जॉइनिंग और रिन्यूअल फी को कंपेयर करेंगे. तो रिगैलिया का हुआ ₹2,500 प्लस टैक्सेस और मिलेनिया का हुआ ₹1,000 प्लस टैक्सेस. अब रिन्यूअल फी वेव ऑफ की बात करें तो रिगैलिया के केस में ₹3 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर रिन्यूअल फी वेव ऑफ हो जाता है एंड केस ऑफ मिलेनिया ₹1 लाख के एनुअल स्पेंड्स पर रिन्यूअल फी वेव हो जाता है. अब क्योंकि मिलेनिया की एनुअल फी रिगैलिया से कम है एंड ऑन टॉप ऑफ दैट मिलेनिया की रिन्यूअल फी वेवर के लिए कम अमाउंट स्पेंड करना पड़ता है तो फर्स्ट पॉइंट गोज टू मिलेनिया. अब वेलकम बेनिफिट्स की बात करें तो इन केस ऑफ रिगैलिया आपको जॉइनिंग फी पे करने पर 2500 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं और एक रिवॉर्ड पॉइंट का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होता है 50 पैसे इन केस ऑफ रिगैलिया. तो आपको ₹1,250 का बेनिफिट मिलता है विच मीन्स आपका जॉइनिंग फी रिकवर नहीं हो रहा. पर अगर मिलेनिया कार्ड की बात करें तो आपको एज अ वेलकम बेनिफिट 1000 कैश पॉइंट्स मिलते हैं और एक कैश पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है ₹1. तो आपको ₹1,000 का बेनिफिट मिलता है. और इसके अलावा अगर आप ₹30,000 कार्ड लेने के 90 डेज के अंदर स्पेंड करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग फी रिवर्स हो जाता है. तो इन केस ऑफ वेलकम बेनिफिट मिलेनिया इज फार बेटर देन रिगैलिया. तो एक और पॉइंट मिलेनिया को जाता है. अब माइलस्टोन बेनिफिट्स की बात करें तो इन केस ऑफ रिगैलिया अगर आप एनुअली ₹5 लाख स्पेंड करते हैं तो आपको 10,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ₹5,000. और अगर आप 8 लाख एनुअली स्पेंड करते हैं तो आपको एडिशनल 5,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जिसका मैक्सिमम वैल्यू होता है ₹2,500. और मिलेनिया कार्ड के केस में आपको माइलस्टोन बेनिफिट सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है विच इज अगर आप मिनिमम ₹1 लाख स्पेंड करते हैं इन अ क्वार्टर तो आपको ₹1,000 का गिफ्ट वाउचर मिलता है. तो दोनों ही कार्ड्स की माइलस्टोन बेनिफिट्स परफेक्ट नहीं है. लाइक इन केस ऑफ मिलेनिया आपको माइलस्टोन बेनिफिट सिर्फ फर्स्ट ईयर में मिलता है और इन केस ऑफ रिगैलिया आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स के लिए काफी ज्यादा स्पेंड करना पड़ता है. सो हम इस पैरामीटर पर इन दोनों कार्ड्स को हाफ पॉइंट्स देंगे. लेकिन रिगार्डलेस ऑफ विच कार्ड इज बेटर माइलस्टोन बेनिफिट्स आप अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं यूजिंग ये पर ऐप. आप इस ऐप से नॉन क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए परचेसेस कर सकते हैं और ये पर आपकी अमाउंट रीइंबर्स कर देगी अलॉन्ग विद सम कैश रिवॉर्ड्स. तो ये पर के हेल्प से आप अपने खुद के खर्चे ना करते हुए भी अपने कार्ड पर रिवॉर्ड पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं और क्योंकि आपकी स्पेंडिंग्स इंक्रीज हो रही है तो आप माइलस्टोन बेनिफिट्स भी पा सकते हैं. नाउ बैक टू कंपैरिजन ऑफ दीज टू कार्ड्स. अगर हम इन दोनों कार्ड्स को एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस पे कंपेयर करेंगे तो रिगैलिया के केस में आपको एक साल में 12 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं और 6 इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस मिलते हैं. एंड अनलाइक मिलेनिया आपको इस कार्ड पर ऐसा कोई कैपिंग नहीं है कि आप एक क्वार्टर में सिर्फ एक सर्टन नंबर ऑफ टाइम्स ही लाउंजेस को एक्सेस कर सकते हैं. यू कैन एक्सेस देम एनी टाइम ऑफ द ईयर विद दिस कार्ड. और मिलेनिया कार्ड के केस में आपको 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलते हैं इन अ ईयर विच इज कैप्ड एट 2 पर क्वार्टर और कोई इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस नहीं मिलता है इस कार्ड पर. तो क्लियरली लाउंज एक्सेस का बेटर बेनिफिट आपको रिगैलिया पर मिलता है एंड सो 1 पॉइंट गोज टू रिगैलिया. अब हम इन कार्ड्स की रिवॉर्ड बेनिफिट्स को डिस्कस करके उन्हें कंपेयर करेंगे. तो पहले अगर हम रिगैलिया कार्ड की बात करें तो इस कार्ड पर आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं हर ₹150 के स्पेंड्स पर. और अपार्ट फ्रॉम दिस आपको स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म पर 5% कैशबैक मिलता है ऑन होटल्स, अमेज़न, फ्लाइट्स एटसेट्रा और मैक्सिमम कैशबैक 1 महीने में ₹2,000 का मिल सकता है. इसके अलावा अगर आप मिनिमम ₹75,000 स्पेंड करते हैं एक क्वार्टर में तो आपको डाइन आउट पासपोर्ट की मेंबरशिप मिलती है 3 मंथ्स की विच इज वर्थ ₹750. चलिए अब मिलेनिया कार्ड की रिवॉर्ड बेनिफिट्स की बात करते हैं. तो इस कार्ड पर आपको अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फ्लाइट और होटल बुकिंग्स पर 5% कैशबैक मिलता है इन द फॉर्म ऑफ कैश पॉइंट्स वाया पेज़ैप एंड स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म. इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन ₹2,000 का करना होता है और हर कैलेंडर मंथ में आप मैक्सिमम 1,000 कैश पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं यानी कि ₹1,000 का कैशबैक अर्न कर सकते हैं
कार्ड लेने के फर्स्ट 6 मंथ्स में, और इन 6 मंथ्स के बाद आप मैक्सिमम कैशबैक जो अर्न कर सकते हैं हर कैलेंडर मंथ में इज ₹750। और सारी ऑनलाइन स्पेंड्स में मिलेनिया कार्ड से आपको 2.5% कैश पॉइंट्स मिलते हैं, यानी कि 2.5% कैशबैक मिलता है, और मैक्सिमम कैशबैक आप ₹750 का अर्न कर सकते हैं इन अ मंथ। और इस केस में भी आपको पॉइंट्स अर्न करने के लिए ₹2000 का मिनिमम ट्रांजैक्शन करना होगा। इस कार्ड पर ऑफलाइन स्पेंड्स और वॉलेट लोडिंग पर 1% कैश पॉइंट्स मिलता है, यानी कि 1% कैशबैक मिलता है, जिसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन ₹100 का होना चाहिए, और मैक्सिमम कैशबैक आप जो अर्न कर सकते हैं इन अ कैलेंडर मंथ इज ₹750। तो ये थी इन दोनों कार्ड्स की रिवॉर्ड बेनिफिट्स। चलिए एक एग्जाम्पल से हम डीमिस्टिफाई करते हैं कि रिवॉर्ड बेनिफिट्स के पैरामीटर पर इन दोनों कार्ड्स में से कौन सा बेटर है। फॉर सिंप्लिसिटी सेक हम स्मार्ट बाय के स्पेंड्स को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन पर सब लोग हर महीने स्पेंड नहीं करेंगे, और क्लियरली स्मार्ट बाय के स्पेंड्स पर रिगालिया पर बेटर बेनिफिट मिल रहा है। चलिए लेट्स अज्यूम पर्सन ए एक महीने में ₹20,000 स्पेंड करता है, जिसमें से ₹15,000 वो ऑनलाइन स्पेंड्स पर करता है और ₹5,000 वो ऑफलाइन स्पेंड्स पर करता है, और ₹15,000 के ऑनलाइन स्पेंड्स में ₹5,000 की ट्रांजैक्शंस में ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो ₹2,000 से ऊपर की है। तो रिगालिया कार्ड पे आपको अराउंड 266 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे, और इन केस ऑफ मिलेनिया आपको 175 कैश पॉइंट्स मिलेंगे। ये 175 कैश पॉइंट्स का ब्रेकअप आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा। कैश पॉइंट ज्यादा हो सकते हैं अगर आप मोस्टली मिनिमम ₹2,000 की ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो कि मोस्टली लोग नहीं करते। मिलेनिया की कैश पॉइंट की मैक्सिमम वैल्यू जो ₹1 है वो रिगालिया के 50 पैसे से ज्यादा है, लेकिन हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे कि वो ₹1 का वैल्यू लेना कितना डिफिकल्ट है। तो कंसिडरिंग ऑल दिस वी बिलीव रिगालिया गेट्स 1 पॉइंट फॉर रिवॉर्ड बेनिफिट्स। अगर हम दोनों कार्ड्स की रिवॉर्ड रिडेम्पशन की बात करें तो इन केस ऑफ रिगालिया आपको मैक्सिमम वैल्यू 50 पैसे का मिलता है अगर आप स्मार्ट बाय प्लेटफॉर्म के थ्रू होटल और फ्लाइट बुकिंग्स करें तो, और प्रोडक्ट कैटलॉग पर आपको अप टू 35 पैसे का वैल्यू मिलता है, और स्टेटमेंट क्रेडिट पर 20 पैसे का, और हर एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैलिडिटी होती है 2 साल की। अब मिलेनिया कार्ड की बात करें तो अगर आप कैश पॉइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट के लिए रिडीम करेंगे तो 1 पॉइंट की वैल्यू होगी ₹1, विच ऑन द फेस ऑफ इट सीम्स ऑसम। और फ्लाइट और होटल बुकिंग्स पे आपको 30 पैसे का वैल्यू मिलता है, और प्रोडक्ट कैटलॉग पर भी अप टू 30 पैसे का आपको वैल्यू मिल जाएगा। आपको ये लगेगा कि मिलेनिया कार्ड पे कोई भी बिना सोचे समझे सिर्फ स्टेटमेंट क्रेडिट ही लेगा, लेकिन देयर आर कैवियट्स हियर, दैट इज 1 पॉइंट की वैलिडिटी सिर्फ 1 साल की होती है, और स्टेटमेंट क्रेडिट के लिए आपको मिनिमम 2500 कैश पॉइंट्स रिडीम करने होंगे। रियल लाइफ में रिडेम्पशन में आपको काफी प्रॉब्लम होगा। तो लास्ट पॉइंट के एग्जांपल को अगर हम कंटिन्यू करें तो ₹20,000 के मंथली स्पेंड्स पर आपको 175 कैश पॉइंट्स मिल रहे थे, विच इज 2100 पॉइंट्स इन अ ईयर। तो ये अक्यूमुलेटेड पॉइंट्स आप रिडीम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये 2500 पॉइंट्स से कम है, और 1 साल के बाद जैसे जैसे और पॉइंट्स अक्यूमुलेट होंगे वैसे पुराने पॉइंट्स एक्सपायर होते जाएंगे। तो इन रियल लाइफ स्टेटमेंट क्रेडिट लेना इतना ईजी नहीं है। कुछ लोग जो ज्यादा स्पेंड करते हैं वो 2500 पॉइंट्स अक्यूमुलेट कर सकते हैं और वो स्टेटमेंट क्रेडिट ले सकते हैं। ऑल्सो फर्स्ट ईयर पे जॉइनिंग पे आपको 1000 पॉइंट्स मिलते हैं, तो फर्स्ट ईयर में आप स्टेटमेंट क्रेडिट ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली लोगों को फर्स्ट ईयर के बाद स्टेटमेंट क्रेडिट लेना काफी मुश्किल होगा, और स्टेटमेंट क्रेडिट के अलावा बाकी रिडेम्पशन ऑप्शंस पे इतनी अच्छी वैल्यू नहीं मिलती मिलेनिया कार्ड पर कंपेयर टू रिगालिया। सो रिडेम्पशन का पॉइंट रिगालिया को जाता है। तो ये था मिलेनिया और रिगालिया कार्ड का कंपेरिजन, और रिगालिया कार्ड हैज वन बाय अ मार्जिन। मिलेनिया के सबसे बड़े नेगेटिव्स ये है कि इस कार्ड पर ऑनलाइन स्पेंड्स पर मिनिमम ₹2,000 की ट्रांजैक्शंस पर ही आपको पॉइंट्स मिलता है, और स्टेटमेंट क्रेडिट के लिए आपको मिनिमम 2500 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, और पॉइंट्स की वैलिडिटी मैक्सिमम 1 ईयर की ही होती है। तो HDFC इन सब में अगर थोड़े इंप्रूवमेंट्स करे तो ये कार्ड काफी अच्छा बन सकता है। बट रिगालिया कार्ड भी कोई एक्सेप्शनल कार्ड नहीं है। हमने रिगालिया कार्ड पर एक डिटेल रिव्यू बनाया है जिसे आप देख सकते हैं, लेकिन रिगालिया कार्ड मिलेनिया कार्ड से थोड़ा बेटर है, बट रिगालिया कार्ड सबको नहीं मिलता। तो वो लोग रादर देन गोइंग फॉर मिलेनिया कार्ड कैन थिंक ऑफ गेटिंग अदर गुड कार्ड्स, जैसे कि अमेरिकन एक्सप्रेस MR कार्ड, Amazon पे ICICI कार्ड एंड एक्सिस ACE कार्ड। तो ये थी हमारी रिव्यू ऑफ दीज 2 कार्ड्स। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। If you've enjoyed watching this video, then please hit the like button and share it with your friends and family. And for latest news, updates, credit card comparisons, reviews, and much more, please subscribe to our channel and click on the bell icon so you never miss any updates. Until next time.